हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिज्नी प्लस पर रिलीज हुआ एक नई सीरीज जिसका नाम है वांडा विजन। और जितने भी एमसीयू के फैंस थे इस पर्टिकुलर शो के लिए बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है जहां पर ये शो रिलीज हो गया ऑफिशियली इंडिया में भी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि फिलहाल सिर्फ दो ही एपिसोड्स आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे एपिसोड्स नहीं आएंगे। एपिसोड्स आएंगे लेकिन वीकली आएंगे, यानी कि हर हफ्ते आपको एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर शो के। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे शो के एपिसोड्स की, तो यार 26 मिनट से लेके 33 मिनट्स के बीच में ये, और ये इंग्लिश में रिलीज हुआ है। खैर, शो की कहानी सेट है 1950s में, जहाँ पर हमें नजर आती है वांडा और विजन दोनों ने शादी कर ली है और ये एक नए टाउन में रहने के लिए आया, जहाँ पर आने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है बेसिकली ये हमें इन दोनों एपिसोड्स में बताया। लेकिन इस पर्टिकुलर शो में जो जो चीज़ें बताई है वो हमने आज से पहले एमसीयू की किसी भी मूवी में ना देखी है, ना कभी एक्सपेक्ट की थी, ना कभी दिमाग में आया था कि हमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगी, जो कि एक अलग एक्सपीरियंस था, एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल था। ये शो हाईली इंस्पायर है 1950s में अमेरिका में, जब गोल्डन एज था टेलीविज़न का, यानी कि उस वक्त काफ़ी लोगों ने पहली बार टेलीविज़न देखा था, और उससे पहले लोग रेडियो में न्यूज़ और दूसरे ब्रॉडकास्ट सुनते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें टेलीविजन्स में आने लगी थी और बहुत सारे लोगों ने टेलीविजन्स फर्स्ट टाइम ख़रीदा भी था। और उस वक्त क्या था कि जितनी भी फैमिली ऑडियंस थी उनके लिए सिटकॉम्स और कॉमेडीज़ ये शोज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, और उन्हीं में से कुछ पॉपुलर शोज़ थे आई लव लूसी, द हनीमूनर्स या आई मैरिड जॉन। तो कुछ इन शोज़ को नज़र में रखते हुए वांडा विजन्स के पहले दो एपिसोड्स हमें देखने को मिलते हैं। और मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी से आती है तो ये दोनों एपिसोड्स देखकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। इसके अलावा इन दोनों एपिसोड्स में आपको काफ़ी ईस्टर एग्स देखने को मिल जाएगी, जो आपको आने वाले एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा उसकी भी हिंट देते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, शायद हमें अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में भी कुछ हिंट मिल जाए, ये मैं आपको कन्फर्मली नहीं कह सकता, लेकिन शायद आने वाले एपिसोड में हमें कुछ तो मालूम पड़ सकता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही गौर से देखना। क्योंकि सिनेमाटोग्राफी की बात करूँगा तो एकदम हाई लेवल की है, जिस तरीके से उन्होंने सेट डिज़ाइन किया, जो उनके कॉस्ट्यूम्स है और जो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट डाला है ना, वो मतलब यार मज़ा आता। और जो एक बैकग्राउंड साउंड उन लोगों ने यूज़ किया है, एक मुझे पर्सनली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हो रहा था। मतलब मैंने वो सारे शोज़ देखे ही नहीं, सिटकॉम्स और कॉमेडीज़, तो मुझे एक यूनिक एक्सपीरियंस। और मेरा शो का बीजेप एकदम परफेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी हाईलाइट है एक्टर्स के परफॉर्मेंस की। दोनों ही लीड एक्टर ने बहुत ही उमदा काम किया, यानी इनको आपने आज से पहले इस तरीके के रोल में नहीं देखे होंगे। एकदम हिलेरियस, दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन कमाल कहते हैं। और उसके अलावा एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपको यहाँ पर नज़र आएगी, उसका रोल काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले एपिसोड में कुछ तो बवाल मचाने वाली है, लेकिन वो तो हमें बाद में पता चलेगा। खैर, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो में आपको किसिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस वजह से आप ये अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो। मैं फिलहाल इसको कुछ भी रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि सारे एपिसोड्स रिलीज हो जाएंगे और जब सब हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद रेटिंग देंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।